तो गाइस आपने बिल्कुल सही देखा है, थंबनेल पर जो लिखा हुआ है 40 रुपये में ही बनाते हैं नर्सरी वाले इतने सारे प्लांट्स। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर पर, बस आपको कुछ चीज़ों का ना खासा ध्यान रखना है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये क्या चीज़ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने घर में ढेरों प्लांट्स कटिंग से बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, और नर्सरी वाले कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हूँ। आज मेरे साथ होने वाले हैं सैनी जी, जो बताएंगे कि वो अपने नर्सरी में इतने सारे प्लांट्स कैसे तैयार करते हैं ईजी प्रोसेस से। तो सिंडर वगैरह, खाद वगैरह, जो भी एक चीज़ें आपको बाई करनी है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। इस पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, उसको देख के क्लिक करके देख लीजिए, जरूर लीजिएगा। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो आप इजीली आके बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, आने का पूरा गूगल मैप लोकेशन और फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। तो गाइज, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल वीडियो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं मैं वहीं अपलोड करता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन होगा, जाके उसे प्रेस ज़रूर कर देना। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सैनी जी से। तो सैनी जी, आज क्या खास लेके आए हुए हैं हम? तो आज सर हम आपको बताएंगे कि कटिंग से पेड़ कैसे तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, एक कटिंग के प्लांट से इतनी हैवी रूटिंग एक प्लांट में कैसे बनाई जाए, ये नर्सरी का एक तरह से समझ लीजिए सीक्रेट है जो कोई बताता नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे इसकी सही प्रोसीजर क्या है, और कैसे आप सिर्फ एक इतने से पाउडर से, एक चुटकी भर पाउडर से आप पूरे एक प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने घर पे। तो रिजल्ट अच्छे आते हैं इसके? 101% रिजल्ट आएगा इसमें, और वो किसी भी तरह का प्लांट हो। हाँ, वो मैं आपको एक प्रोसीजर समझा दूंगा कैसे प्लांट के लिए कौन सा वो लगता है मिक्सचर। तो उस हिसाब से आप अपने घर पे जो भी आपके घर के प्लांट्स हैं आप उसको एक प्लांट से 4 प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो चलिए शेयर कीजिए दर्शकों को। ठीक है, तो एक्चुअली इसका नाम है रूट एक्स, मतलब कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, नाम इसका रूट हार्मोन है। अच्छा, तो ये नंबर के हिसाब से आता है, 1 नंबर 2 और 3। अच्छा। जो 1 नंबर का काम है वो है सॉफ्ट वुड के लिए, जैसे आपको अगर विनका की कटिंग लगानी घर पे, हाँ। जो बिल्कुल सॉफ्ट वुड रहती है, हाँ, हाँ। तो उनके लिए है 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर। हाँ, जो सेमी वुड रहती हैं, सेमी वुड प्लांट्स के लिए होता है 2 नंबर, और हार्ड वुड जैसे बोगनवेल हो गया, बरगद हो गया, उस सब की कटिंग अगर आपको लगानी है तो उसके लिए होता है 3 नंबर। अच्छा। तो ये तीनों नंबर अपने अपने एक एक प्लांट के लिए सबके लिए होता है। मैं आपको प्रोसीजर आज समझा देता हूँ बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं तो लगा पाएं घर पे एक प्लांट से अनेक प्लांट कैसे बनाए जाएं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको प्लांट कौन सा बनाना है। ठीक है, सब जैसे हम आज लाए हैं ये फाइकस का प्लांट। ठीक है, तो देखिए आपके फाइकस की इतनी सी ब्रांच है, मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा, और अगले हफ्ते आप आएंगे तो उसमें इतनी सारी रूट्स होंगी। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले तो सर आप क्या करें, अपने जो टूल्स हैं उसको सैनिटाइज ज़रूर करें। ठीक है ना, आप कोई भी घर का सैनिटाइजर उससे क्या होगा ना, जब आप कटिंग करेंगे तो कटिंग रॉटनिंग नहीं होगी उसमें। ओके, वो कटिंग ख़राब नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अब जो है स्टरलाइज हो गया है। इसको सुखा लो, उसके बाद आपको अपना प्लांट लेना है। ठीक है, प्लांट की हमेशा डायगनल कटिंग करनी है। ये देखिए, ठीक है, जितना उसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा उतना उसमें रूटिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फाइकस। ठीक है, तो फाइकस में हम ज्यादातर लगाते हैं 3 नंबर। ठीक है, अच्छा, जो भी हार्डी प्लांट रहता है उसमें उसके 3 नंबर। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पाउडर में अपने प्लांट को आराम से डिप करना है, पाउडर को इवनली स्प्रेड करना है, ताकि उसमें ना ज्यादा लगाना ना कम। ये देखिए, ठीक है, ठीक है ना, आपको बस जो कटिंग का पार्ट है सिर्फ उसमें लगाना है, ऊपर कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर नॉर्मल अपने एक टूल से पॉट में सेंटर में फिल गैप करके प्लांट को प्लेस कर देना है। ठीक है, अब जो बेस्ट पार्ट है इसमें ये है कि आपको सिर्फ प्लांट रखना नहीं है, उसको इस हिसाब से दबा देना है ताकि वो हिले ना अपने स्टॉक से। जब वो अपनी प्लेसमेंट ले लेगा तो मात्र 7 दिन में उसमें रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, 7 दिन में उसमें स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 15 से 20 दिन में उसमें अच्छी रूटिंग आ जाएगी। आपका प्लांट एकदम, आप अगर नेक्स्ट हफ्ते आएंगे यहाँ पर तो ये प्लांट आपको एकदम हरा पाएगा और एकदम गोल पाएगा। अच्छा जी, हाँ, इसी हिसाब से आप अपने घर पे इंडोर प्लांट्स में जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, और ड्राइसीना हो गया, एग्लोनीमा हो गया, जो नॉर्मल हाउस होल्ड प्लांट है उसमें आप 1 नंबर है
एक नंबर से आप उसमें यूज़ करें, एक नंबर के डिप करें, उसकी कटिंग करें और लगा दें तो वो हो जाएगा। और जैसे फाइकस हो गया, हिबिस्कस के लिए आप दो नंबर यूज़ करें, लेमन के लिए आप दो नंबर यूज़ करें, बरगद हो गया और बोगनवेल हो गई और हो गया आपका हिमेलिया, ये सब के लिए आप तीन नंबर यूज़ करें। तो तीन नंबर वो होगा हार्डवुड के लिए। हार्डवुड के लिए तो फिर उसके लिए आपके लिए तीनों की प्रोसीजर सेम है, बस जो है हार्मोन आपको अलग यूज़ करना है, सॉफ्टवुड, सेमी हार्डवुड और हार्डवुड, तीनों के लिए अलग होगा और तीनों के लिए प्लांट आप घर पे तैयार करते हैं। मतलब इंडोर प्लांट के लिए हमें लगभग मान के चलिए एक नंबर वाला यूज करना है हमें। हाँ, जिसकी सॉफ्टवुड हो, ये देखिए सॉफ्टवुड है ना इसकी। हाँ हाँ हाँ। देखिए रूटिंग, देखिए पैकेट से बाहर जा रही है इसकी रूटिंग। ठीक है, अच्छा ये भी है। हाँ जी। और ये लगभग कितने का पाउडर आता है? ये आपको सिर्फ 40 रुपए में मिल जाएगा। ये 40 रुपए में मिल जाएगा, 40 रुपए में हम नया प्लांट बना सकते हैं। हाँ, 40 रुपए में आप अपने घर में एक नहीं 100 प्लांट बना सकते हैं, इतना सारा पाउडर है कि एक से उसके ऊपर सिर्फ आपको अपने एंगल, जो आपको एंगल दिखाया है जिस एंगल में काटना है, सिर्फ उस एंगल को आपको पाउडर में डिप करना है। तो आपके पास अवेलेबल है ये? हाँ जी, हाँ जी मिल जाएगा। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों अवेलेबल है? तीनों अवेलेबल है। अच्छा, 40 रुपीज़ लगभग प्राइस है इसके ना? 35, 40, 45। अच्छा। 1, 2, 3। अच्छा, ये रेट है इसका। हाँ ठीक है। तो आप अपने घर में किसी भी प्लांट का जो स्टेम से प्लांट बनते हैं, जैसे फोन अवे आप उसका नहीं बना सकते, उसका प्रोपेगेशन का मेथड अलग है। ठीक है। तो अगर लोग बाग सोचें कि यार फोन को काट के लगा दें तो वो नहीं हो पाएगा, जो स्टेम से बनते हैं, जैसे ये फाइकस है इसकी स्टेम है, सॉन्ग ऑफ इंडिया इसकी स्टेम है, एग्लोनीमा होता है उसका स्टेम होता है, तो वो उन सब जिस सब प्लांट की, मनी प्लांट की आप कटिंग लगाएं एक नंबर से, मनी प्लांट कहीं भी आपको दिखे अब उसको तोड़ें, घर पे उसको वॉश करें, अपने अपने जो टूल्स हैं उसको सैनिटाइज करें, एक नंबर रूट हार्मोन में उसको डिप करके लगाएं, वो मनी प्लांट वहीं से इतना चौड़े पत्ते का वो ले लेगा और वहाँ पर आपके रिजल्ट भी 100% आ जाएंगे। तो गाइज आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, बाइंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।